ऐसा जी है, पुलिस प्रशासन की तानाशाही है, हमने कोई विरोध नहीं करना था, उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जिंदाबाद राजकुमार शर्मा। जो नाम मेरा भी है मोहित शर्मा भी है जी, ऊपर ऊपर तो मेरा नाम है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कुल यही तो इनकी तानाशाही है जी। और दूसरा, हमारे तो परिवार में दादी जी एक्सपायर हो चुके थे। कल हमारा कार्यक्रम था, मैं शाम को जब वहाँ पे पता लगा था, उसके बाद हम तो सारे बैठक में थे, और मेरे परिवार के सदस्य, जब परिवार में किसी के मौत होती है तो पता लगता आते हैं, तो हमारी तो बैठक चल रही थी, उसमें तानाशाह तरीके से आना, अब बात करके आपके सामने किस प्रकार से, किस ढंग से लेकर गए हैं, ये प्रॉपर लोकतंत्र की हत्या है। और बीजेपी सरकार बौखलाहट, इससे इसकी बौखलाहट दिखती है। मैंने कहा लिस्ट में मेरा नाम मेरे फादर साहब से पहले है, तो मुझे भी लेकर चलो, जहाँ लेकर जा रहे हो ले जाने को, ये कोई थोड़ी गोली थोड़ी मार देंगे। ये सिर्फ रोक दबा सकते हैं बात को, लेकिन रोक नहीं सकते। हम हमारा विरोध करेंगे, आवाज़ को चुप करवाने की कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन हमारा विरोध नहीं रोक सकते। और जो जिले की आवाज़ है, जो हमारे, हमने सिरसा विधानसभा की हमेशा आवाज़ उठाने का पुरजोर अच्छे तरीके से कार्य किया, ये सिर्फ उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ शांत कर सकते होगे, मार दोगे ना उस दिन शांत हो जाएगी, लेकिन दबा नहीं सकते हमारी आवाज़ को। सबसे बड़ी बात थी आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से कभी अमित शाह की रैली के विरोध का अल्टीमेटम या कुछ अनाउंस नहीं किया गया था? बिल्कुल, मुझसे जब सवाल भी पूछा तो हमने कहा कि गृह राज्य मंत्री आ रहे हैं भारत सरकार के, और हम उनकी इज्जत करते हैं, और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से विचारधारा रही है कि आज अगर देश के आते हैं तो सिरसा को अगर कुछ देकर जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार से जो तानाशाह रवैया सरकार का देखने को मिला है, हमें हमारे दफ्तर से जो बैठक चल रही है, एक आम आदमी भी अगर ये चीज़ किसी के घर में कोई बात हो जाए, वो बैठा होता है, वो क्या विरोध करेगा? लेकिन इस तरीके से लेकर जाना, इस तरीके की जो हरकतें हैं, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम ये कहेंगे, तानाशाही हो रही है हमारे साथ में और बौखलाहट हो रही है। विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो कभी विपक्षी विरोध करेगा, और आमजन की समस्या उठाएंगे और महिलाओं को जो परेशानियां हो रही है, विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना। ये नज़रबंद करके और गिरफ्तारी करके तानाशाही कर रहे हैं, और इस तानाशाही का जवाब जनता वोट की चोट से देगी आने वाले 2024 के चुनावों के अंदर। और ऐसी गिरफ्तारियां हमें पब्लिक के भलाई के लिए 100 बार देनी पड़े तो भी हम गिरफ्तारी देंगे। हाँ जी, अरेस्ट किया जा रहा है यहाँ से। हाँ, कलंद्रा कटा हुआ था जी हमारा। हाँ जी, पर हम तो कहीं मान शांति भंग ही नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारा विरोध जो शांति, कल वीडियो भी मैंने जारी किया, हम शांतिपूर्वक अपना विरोध जता रहे थे। सिरसा की समस्याएं हैं वह उजागर कर रहे थे, जैसे ऑटो मार्केट की सड़कें टूटी हुई है और सिरसा विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो सिरसा की, जो जनता ने मेरे पास बताई भी थी, रखी भी थी जी। अगर गृह मंत्री जी के सामने जाओ तो कृपया हमारी ये समस्या रखना, क्योंकि आमजन को तो कहीं भी जाने का वहाँ पे ये नहीं दे रहे हैं रास्ता। और दूसरा, अगर हमारे को डीसी साहब या एसपी साहब अगर हमें कोई परमिशन देगा तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए हम तैयार हैं।